वेलकम टू द पोल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स 3 सब डिवीजन में डिवाइडेड है, हेपेटिक ऑप्सिडा जिसको लिवरवर्ट्स भी कहते हैं, ब्रायोफाइट्स यानी मोसिस, एंथोसिरोप्सिडा इसको हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है हेपेटिक ऑप्सिडा। जैसे कि आपको ऊपर बताया कि इनको लिवरवर्ट्स भी कहते हैं और इनके अंदर तकरीबन 900 स्पीशीज जो हैं वो शामिल हैं। ये ब्रायोफाइट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी ये अर्लीस्ट फॉर्म है ब्रायोफाइट्स की। हेपेटिक ऑप्सिडा के अंदर ही फर्दर एवोल्यूशन के बाद ट्रेक्योफाइट्स यानी वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो डिवेल्प हुए। हेपेटिक ऑप्सिडा मॉइस्ट रॉक्स या फिर वेट सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी ये पानी के आसपास ग्रो करते हैं, नमी वाली जगह पे ग्रो करते हैं, खुश्की पे ग्रो नहीं करते। प्लांट बॉडी जो है इनकी गैमेटोफाइट होती है और गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो थैलाइट होती है, यानी थैलस लाइक होती है, और थैलस जो है इनका फ्लैट भी होता है और रिबन लाइक भी हो सकता है। हेपेटिक ऑप्सिडा डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं, यानी इनके अंदर डुअल ब्रांच अरेंजमेंट जो है वो पाई जाती है। अटैच होते हैं राइजोइड्स के जरिए। तो हेपेटिक ऑप्सिडा की ये वाली टाइप जो कि राइजोइड्स के जरिए सॉइल के साथ अटैच होती है उसको मार्चेंटिया कहते हैं। तो मार्चेंटिया हेपेटिक ऑप्सिडा की टाइप है जिसके अंदर गैमेटोफाइट राइजोइड्स के जरिए सॉइल के साथ अटैच होते हैं। हेपेटिक ऑप्सिडा की वो टाइप जिसके अंदर फास्ट स्टेम एंड लीव्स ग्रो करते हैं उसको पोरेला कहते हैं, यानी इनके अंदर प्योर स्टेम एंड लीव्स मौजूद नहीं होते, लुक लाइक स्टेम एंड लीव स्ट्रक्चर्स डिवेल्प होती हैं। स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए, यानी फूड के लिए ये स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। सेक्स ऑर्गन्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो थैलस की अपर सरफेस के ऊपर डिवेल्प करते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मौजूद है एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। हेपेटिक ऑप्सिडा में समटाइम्स सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोफाइट की स्पेशल ब्रांचेस के ऊपर भी डिवेल्प करते हैं, और उन ब्रांचेस को कहते हैं एंथ्रीडियोफोर्स और आर्चिगोनियोफोर्स। तो एंथ्रीडियोफोर के ऊपर एंथ्रीडिया डिवेल्प होता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और आर्चिगोनियोफोर के ऊपर आर्चिगोनिया डिवेल्प होता है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये टाइप जो है वो मार्चेंटे कहलाती है, जैसे कि आपको पहले बताया था। ब्रायोफाइट्स की सेकेंड सब डिवीजन है ब्रायोप्सिडा यानी मोसिस। तो ये ड्राई प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, ये विदाउट वाटर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ग्रो करते हैं कुशन और मैट की फॉर्म में, यानी कालीन की फॉर्म में, गुच्छों की फॉर्म में ये ग्रो करते हैं। ब्रायोप्सिडा का गैमेटोफाइट प्लांट यानी एडल्ट मॉस प्लांट वो फर्दर डिफ्रेंशिएट करता है स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो कि बिल्कुल स्टेम और लीव्स की तरह लगती हैं, लेकिन प्योर स्टेम एंड लीव्स नहीं होते। ब्रायोप्सिडा में मल्टीस्टारर राइजोइड्स होते हैं जो कि इसको सॉइल के साथ अटैच करते हैं। ब्रायोप्सिडा की एग्जाम्पल्स हैं फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। फर्दर एक डेफिनेशन है पैराफाइसिस, एग्जाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में आ चुकी है। जब एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया क्लस्टर्स की फॉर्म में डिवेल्प होते हैं तो ये अपने आसपास की स्टीराइल हेयर्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं पैराफाइसिस। ब्रायोप्सिडा के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, बिल्कुल लिवरवर्ट्स की तरह, जैसे लिवरवर्ट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थी, यानी दो जनरेशन इनके अंदर होती हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइट जनरेशन। एक और डेफिनेशन है प्रोटोनिमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम्स में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। मोसिस के जो स्पोर्स होते हैं वो लिवरवर्ट्स के स्पोर्स की तरह बिल्कुल नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, और मोसिस के स्पोर्स डिवेल्प करते हैं एल्गा लाइक स्ट्रक्चर जिसको प्रोटोनिमा कहते हैं। तो ये है मोसिस का यानी ब्रायोप्सिडा का लाइफ साइकिल। क्योंकि गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो ब्रायोफाइट से मोस्टली डोमिनेंट होती है, तो ये है मेल गैमेटोफाइट प्लांट और ये है फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट। मेल गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर एंथ्रीडियम डिवेल्प होता है और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनिया डिवेल्प होता है। एंथ्रीडियम के अंदर डिवेल्प होते हैं एंथ्रोजोइड्स यानी स्पर्म, और आर्चिगोनियम के अंदर डिवेल्प होता है एग। अब एंथ्रोजोइड्स जो है वाटर की मौजूदगी में एग तक पहुंच जाते हैं और एग को कर देते हैं फर्टिलाइज, तो इस स्टेज को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है जायगोट बन जाता है, तो जायगोट जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है और बना देता है स्पोरोफाइट जनरेशन। क्योंकि ये सारी स्टेज जो है फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही हुई है, तो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही जो है वो मैच्योर स्पोरोफाइट जनरेशन डिवेल्प हो जाएगी, और मैच्योर स्पोरोफाइट जनरेशन ब्रायोप्सिडा की डिपेंड करती है कैप्सूल एंड सेटा के ऊपर। कैप्सूल जो है उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स डिवेल्प होते हैं, स्पोर मदर सेल्स जो है वो कैप्सूल की वॉल रप्चर होने से बाहर रिलीज हो जाते हैं, और हर स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होती है और स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं और प्रोटोनिमा बनाते हैं।
अब कुछ प्रोटोनीमा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप कर देते हैं और कुछ प्रोटोनीमा जो है वो मेल गैमेटोफाइट डेवलप कर देते हैं और इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। ब्रायोफाइट्स की थर्ड सब डिवीजन है एंथोसिरोप्सिडा। यह हाई एडवांस टाइप है ब्रायोफाइट्स की अदर देन हेपेटिकोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। तो एंथोसिरोप्सिडा को हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं और इसकी गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हाईली लूप्ड होती है और इररेगुलर होती है और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन नरिशमेंट एंड प्रोडक्शन जो है वो खुद कर सकती है, ये गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसी वजह से एंथोसिरोप्सिडा को ब्रायोफाइट्स के अंदर एडवांस टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। एंथोसिरोप्सिडा की एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया जो है गैमेटोफाइट टिश्यूज के अंदर पार्शली संकन होते हैं, यानी डूबे हुए होते हैं, कम्प्लीटली डूबे हुए नहीं होते लेकिन हाफ जो है वो गैमेटोफाइट टिश्यूज के अंदर होते हैं और हाफ जो है वो गैमेटोफाइट टिश्यूज से बाहर होते हैं, ये किसी ब्रांच के ऊपर डिवेलप नहीं होते। स्पोरोफाइट्स के एडवांस करेक्टर की वजह से एंथोसिरोप्सिडा सॉइल के ऊपर बेटर सर्वाइव कर सकते हैं एज कम्पेयर अदर टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्पोरोफाइट जनरेशन की एपिडर्मिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट एंड स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। यही रीज़न है कि स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एंथोसिरोप्सिडा की स्पोरोफाइटिक जनरेशन के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर भी मौजूद होती है जो कि इसको वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा वो जंक्शन जहाँ पे फुट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन आपस में जॉइंट होते हैं उस जंक्शन पे बैंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जहाँ वो डिवेलप होते हैं। इस जंक्शन पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूसली ऐड होते रहते हैं, यानी कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं फॉर्मेशन के दौरान भी, मैचुरेशन के दौरान भी, और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक स्पोर्स जो है वो मैच्योर होके रिलीज ना हो जाए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की फास्ट ग्रोथ जो है वो स्पोरोफाइट की लेंथ में इजाफा करती है। स्पोरोफाइट जनरेशन के इन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से स्पोरोफाइट जो है वो सर्वाइव करती रहती है हत्या गैमेटोफाइट जनरेशन डेथ हो जाए या गैमेटोफाइट जो है वो डिके हो जाए। एंथोसिरोप्सिडा को एंथोसिरोस भी कहते हैं और ये पाकिस्तान के हिली एरियाज में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स।